नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कैसे हम नोटबुक मेकिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर डलने वाले नए नए वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्या क्या इसका प्रोसेस है ये सब जानने के लिए वीडियो के देखते रहिए। नोटबुक बनाने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है स्टिचिंग मशीन का। स्टिचिंग मशीन कॉपी में पिन लगाने का काम करती है। स्टिचिंग मशीन से कॉपी में स्टेपल लगा दिए जाते हैं, इस तरह से आपकी कॉपी में पिन लग जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है एज स्क्वेयरिंग मशीन का। अब इस स्टेपल हुए नोटबुक को एज स्क्वेयरिंग मशीन में ले जाया जाता है। इस मशीन की मदद से कॉपी में फिनिशिंग आती है और उसकी एज स्क्वेयर हो जाती है, और जब आप कॉपी के मशीन में डालेंगे तो आप देखेंगे कि कॉपी का एज कैसे स्क्वेयर में बदल जाता है और इसकी फिनिशिंग आप अपने आप हो जाती है। तो एज स्क्वेयरिंग मशीन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कटर मशीन, और जिसे पेपर कटिंग मशीन भी कहा जाता है। तो जो कॉपी तैयार हुई है हमारे स्टिचिंग होने के बाद और स्क्वायरिंग होने के बाद, ये कटर मशीन में लगा देते हैं और साइज सेट कर देते हैं जोन से साइज का हमको नोटबुक काटना है, और उसी साइज का हम सेट कर देते हैं। इन मशीन की मदद से नोटबुक बनकर तैयार हो जाती है। तो नोटबुक का प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप था स्टिचिंग मशीन, फिर था एज स्क्वायरिंग मशीन, और फिर पेपर कटिंग मशीन था। इन तीनों मशीन से हमारी नोटबुक पूरी बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें इसके लिए हम नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आते हैं। आप अपना बिज़नेस शुरू इन तीन मशीन से कर सकते हैं, आपको कम लेवल पे भी अधिक लाभ होगा। इस बिज़नेस से आप अपना व्यवसाय करने में भी सक्षम होंगे और दूसरों को भी रोज़गार देंगे। ये बिज़नेस बहुत ही आसान है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो 12 महीने चलता है। अगर प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपको पंचिंग करनी पड़ती है, नोटबुक के अंदर के पेजेस लेकर उनसे टाइटल पेजेस लगाए जाते हैं। उसके बाद उसकी पंचिंग की जाती है जिससे कि वो इकट्ठे हो जाएं। पंचिंग के बाद
उसको तीन मशीनों से प्रोसेस स्टार्ट होता है, और जब नोटबुक की फिनिशिंग हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मार्केटिंग का। जब नोटबुक बनकर तैयार हो जाती है तो आप उसको पैक करके मार्केट में उसे बेच सकते हैं। नोटबुक को आप अपने आसपास के मार्केट में सेल कर सकते हैं। जिस भी दुकान में नोटबुक बेची जाती है वहाँ आप नोटबुक सेल कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।